ये मेरे पास स्पाइस है, चाट मसाला हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, और ये धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टीस्पून, और ये है मेरे पास लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है 2 टेबलस्पून, और सुरख सब्ज मिर्च है इसको मैंने पीस लिया था ये है 1 टेबलस्पून, और बेसन है मेरे पास 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून मेरे पास मैदा है, और 1 किलो मेरे पास कलेजिया हैं। अब मिक्स करते हैं, लेमन जूस डालते हैं, स्पाइस सारे डालेंगे, सब्ज मिर्च की पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट, और ये है बेसन, और ये हमारे पास मैदा, और एक डालते हैं हम एग, एक डालेंगे एग। अब इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने ग्लव्स डाल दिया कि बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा मिक्स हो गया। सॉरी मैं बताना भूल गई, मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला है, बहुत अच्छा मिक्स हो गया माशाल्लाह। देखिए अब हम इसको 2 से 3 घंटे रखेंगे, आप जितना चाहे सारी रात भी रख सकते हैं, 1 घंटा भी रख सकते हैं। पैन में हमने ऑयल डाल लिया है, कलेजियां डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके हम डालेंगे। साइड चेंज करते हैं, माशाल्लाह इसको सभी को साइड चेंज कर लेते हैं। माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। जरा दूर हट के रहना क्योंकि ये ना ऑयल ऊपर आएगा, थोड़ा सा ख्याल रखना। अभी माशाल्लाह अभी से हम निकाल लेते हैं, बहुत जबरदस्त बनी है माशाल्लाह, बहुत मजे की है। सभी निकाल लेते हैं, अब डिफ्रेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत मज़े के और क्रिस्पी हैं। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। अदरक भी लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने दही और पुदीने की चटनी डाली है। यकीन करें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, आप भी बनाएं और एंजॉय करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।